पंडितों की बोलती जलती थी, पंडितों की तुती बोलती थी, वहां भी कबीर ने छोड़ा नहीं, बोल दिया जो बोलना था सो बोल दिया। और उसके भी पद अभी सुने हैं, इतना ये और हम सबके लिए बहुत कहना चाहिए, कबीर पंथियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, कबीर पंथियों के लिए ब्रह्मास्त्र है। और पद बहुत ही अच्छा है, वो पद उस है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। ये पद पूरा उस सदगुरु कबीर की ही पंक्ति है, वो सदगुरु कबीर साहब का पद हमारे संत ने अभी रखा था कि पंडित बाद सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। मैं इस पद का मैं आख्या कर रहा हूँ आपके पास, ऐ पंडितों तुम बड़ी झूठी बात बोलते हो, बातें करते हो, हवन तर्पण तीर्थ यात्रा नाम जाप ये सारे चीज से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पंडितों को सदगुरु कबीर साहब डंके के चोट में कह रहे हैं, उदाहरण पेश करते चले जा रहे हैं पंडितों के लिए है। मैं पंडितों के बात शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, आज जिस समय सदगुरु कबीर साहब वो उस समय पंडितों का वर्चस्व था, और पंडितों ने आदमी के अंदर एक ऐसा कहना चाहिए दिमाग, हर आदमी का दिमाग हो गया है कि यदि पंडित के द्वारा नहीं कराएंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा, हमारा कार्य सफल नहीं होगा। उन्होंने क्या, उन पंडितों ने क्या दिमाग दिया, तुम बच्चा पैदा कर सकते हो लेकिन नामकरण नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चे के लिए लड़का है तो लड़की ढूंढ सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते, तुम गाड़ी ले सकते हो लेकिन गाड़ी का स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम मकान बना सकते हो लेकिन मकान में गृह प्रवेश तुम नहीं कर सकते, हम करेंगे तब अच्छा होगा नहीं तो अशुभ हो जाएगा। पंडितों ने कैसा भरा, ये हमारा एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 5 लाख लोगों में 5,000 लोग ऐसे होते हैं जो रोज रोज नए रिसर्च करते हैं कि लोगों के अंदर कैसे डर भरा जाए, कैसे मान्यताएं भरा जाए ताकि हमारा पेट भरे, हमारा ये नए नए डर भरे काम, नए नए लोगों के अंदर कहना चाहिए मान्यताओं को गढ़ने का काम ये आज के जमाना में हमारे भारत देश में चल रहा है। जहां अन्य देश है जिस भगवान नहीं माना जाता, जिस देश में इंसान को ही भगवान माना जाता है, उस देश में ना कोई पंडित है, ना कोई पुजारी है, ना कोई पादरी, वहां भी अंधविश्वास नहीं है, नहीं है। लेकिन हमारे भारत एक ऐसा देश है जिसे पूरे विश्व में देश कहा जाता है, और जितना धर्म के नाम पर लूट और बेईमानी और घुसखोरी चलता है उतना हमारे भारत देश जैसे इस दुनिया में कहीं नहीं चलता है। बैठ करके हम जैसे लोग साफ साफ झूठ बोलते हैं कि व्यास गद्दी में बैठने वाले ही सही बोलते हैं, तुम यहाँ यज्ञ करोगे तभी मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा पिता मर चुका है वहां जाकर के ठंडा करो उनके हड्डियों को, अस्थियों को पूजा पाठ कराओ, गंगा में अस्थियों को ठंडा करो और पंडा से पूजा करा लो तभी मुक्ति मिलेगी। कौन बोल रहे हैं, व्यास गद्दी में बैठने वाले, व्यास गद्दी में बैठने वाले बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे बच्चे पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है तो बेल पत्ती ले लेना और उसमें मधुरस को मिला लेना शहद को और चिपका देना, तुम्हारे बच्चा 100% पास हो जाएंगे। ये कबीर विचार प्रहार किया जा सकता है। यदि वास्तव में सही कबीर पंथी होगा तो इस सारे भ्रांतियां उड़ जाएगी। सीधा डंके की चोट पर कबीर साहब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। तुम जिसकी रोज पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उससे अच्छा है कि तुम चक्की की पूजा करो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। और कबीर का कहना, सदगुरु कबीर का कहना नियम और शाश्वत है। सदगुरु कबीर साहब प्रकृति के नियमों के आधार पर कहते हैं, बनावटी बात नहीं कहते हैं, ओरिजिनलिटी है वो सदगुरु कबीर में, पर्सनालिटी है। इसलिए सदगुरु कबीर ने सारे खंड सारे देवी देवता ब्रह्म मान्यताओं को तोड़ा, लेकिन देवी देवता मानने वाले सदगुरु कबीर को बहिष्कार नहीं किए, क्योंकि सदगुरु कबीर ने सबको पुकार करके कहा है, दाई
पाई, बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानंदा। मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ। इतना बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि अब की पुरिया वासनाओं की पुरिया का निबेर, हमारे अंदर वासना की पुरिया है? कहेंगे हम कहाँ वासना की पुरिया है, जो बलबल बलबल करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हिंसा करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हिंसा जलन में पड़ते हैं, यही तो वासना है, यही तो वासना है। और क्या चीज वासना है? किसी भी चीज की शीघ्रता, किसी भी चीज में अति प्रगाढ़ता हो जाना, वही तो वासना है, जिसके बिना ना रहा जा सके है। आप कहेंगे नहीं रहा जा सकता है, क्या वासना है? इसको वासना नहीं कहा जाता है, जिसके बिना जीवन ना चले पर भी उसको हम करते हैं या खाते हैं या पीते हैं, वो सारी चीज वासना है, वो सारी चीज वासना है। बिना हवा के हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसको वासना नहीं बोला जा सकता। बिना चल सकता ये समान मध्यम मार्ग है। सद्गुरु कबीर साहब की मैं एक पंक्ति, उन्होंने डंके की चोट पर कहा, डंके की चोट पर कहा, पंडित बात बदे से झूठा, ए पंडितों तुम लोग झूठ बोलते हो, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी महिमा गढ़ते हो। वो आगे कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अब उनका प्रश्न है, राम के कहने से यदि जगत जगत में गति मिल जाती, गति का मतलब होता है मोक्ष। सारे लोग नाम जपने वाले सुन ले, चाहे कबीर कबीर जपते हो, चाहे राम राम जपते हो, चाहे कृष्ण, मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सारे पद का उदाहरण, इस जो कबीर साहब कहे उनको ज्यों के त्यों आपके पास रख रहा हूँ। कबीर साहब भी कहते हैं, तुम कबीर कबीर भी जपोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हम सबको क्या करना चाहिए, आप सबको क्या करना चाहिए, कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। राम के कहने से जगत में गति नहीं मिलने वाली है, राम के श्री राम के जो जीवन चर्या था उसको जीवन में यापन करने से आपको गति मिल जाएगी, उनके नाम जपने से नहीं। राम राम रोज जप रहे हैं, भाई भाई एक एक फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आपस में भाई भाई चारों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, राजगद्दी सिंहासन गेंद की तरह उछलता रह गया, कोई राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं, और इधर हम राम राम रट रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, लेकिन मन की वासनाएं नहीं जा रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, कौन से राम भक्त हो गए? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे तो खांड कहे मुख मीठा। शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो, खांड मतलब शक्कर, आप बोलो तो आपके मुख मीठा हो जाए तो मैं निश्चित ही मान लूंगा कि राम राम कहने से जगत से मुक्ति मिल जाएगी, जगत से मोक्ष हो जाएगा। आगे सद्गुरु कबीर साहब फिर उदाहरण देते हैं, पावक कहे पांव जोड़ा है, जल कहे त्रिषा बुझाई। पावक पावक आग को कहा जाता है, पावक कहे पांव जोड़ा है, पावक आग आग कहो और आपके पैर में जलन शुरू हो जाए, आपके पैर जल जाए, तो सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जल कहे त्रिषा बुझाई, जल जल कहो प्यास बुझ जाए। जो कहते हैं कि नाम जपन से मुक्ति मिलती है, जो व्यास गद्दी में बैठ करके बड़े बड़े कथा पुराण लोग जो सबसे चैनल पर चल रहे हैं, मात्र शिव मंत्र जपो मुक्ति मिल जाएगी, राम राम जपो मुक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण जपो मुक्ति मिल जाएगी, सद्गुरु कबीर का उन लोगों के लिए तीखा प्रहार है, सीधा तीखा प्रहार है। पावक कहे पांव जोड़ा है, जल कहे त्रिषा बुझाई। यदि ऐसा करने से हो तो आप सभी, जब आपको प्यास लगे आप पानी पानी कहना, ओस ओस कहना, वाटर वाटर कहना, जल जल कहना, ये सारे एक ही चीज है, आपकी प्यास बुझ जाना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब ऐसा तमाचा जड़ते हैं गलत करने वालों को, उनके कान खुल जाएगी सही शब्दों से सुनेंगे तो। सद्गुरु कबीर साहब और उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण हुआ, चार उदाहरण हुआ, पांचवा उदाहरण देते हैं, तो ये चार उदाहरण देते हैं। कौन कौन सा उदाहरण दिए? राम के कहने से जगत से मुक्ति मिल जाएगी, खांड कहने से मुख मीठा, पांव कहने से पैर में जलन हो जाए, और जल कहने से प्यास बुझ जाए, तो भोजन कहने से तो क्या कहते हैं, अगर इतना चीज होता है तो दुनिया तरी जाए, तो निश्चित ही दुनिया के लोग तर जाएंगे।
निश्चित ही दुनिया के लोग तर जाएंगे। आप विश्वास करिए, कोई चीज हो सकता है? कोई चीज नहीं हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब और उदाहरण देते हैं, अभी चीजों का उदाहरण दे रहे थे, अब चेतन जीव का उदाहरण देते हैं। नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। नर मनुष्य को कहते हैं, उसके साथ में सुआ, सुआ मतलब होता है तोता, तोता भी हरि हरि बोलता है, राम राम बोलता है, नमस्कार बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, जो सिखा दो तोता को बोलता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, कहते हैं नर के संग तो हरि सुआ बोले, सुआ हरि बोल लेता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, हरि का क्या अर्थ है उसको नहीं जानता है, हरि का अर्थ ही नहीं जानता है, हरि क्या चीज है उसको नहीं जानता है, इसलिए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब और उदाहरण देते हैं, जो कभी नर तोता के बारे में बोल रहे हैं, जो कभी जंगल में तो हरि सुरति को ना आने। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हरि का अर्थ समझ सकता है, जानवर नहीं, अन्य पशु पक्षी। मनुष्य के पास एक विवेक चेतन शक्ति है जो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मंथन कर सकता है और कल्याण की ओर अग्रसर हो। पास मात्र एक ऐसी शक्ति है और मनुष्य समझे पूर्वक जीवन जिए। मनुष्य चीजों में मत्था टेकते टेकते जीवन को, एक चीज बताऊं मैं, जड़ चीजों की पूजा करना सर्वथा गलत नहीं है, लेकिन गलत तो तब जब कबीर विचारों को सुन लेने के बाद भी सही माता हमारे में। उस बार भी मैं कहा था कि वेदों में आता है चार हमारे कहना चाहिए पूजनी है, माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। ये ज्ञान हो जाता है, आत्मा ही बढ़ करके कोई देवी देवता, खुदा गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा कुछ भी नहीं है। ये सारे चीज बाद भी बाहर के जड़ चीजों को पूजा है तो सद्गुरु कबीर साहब की मैंने साखी कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, उससे चक्की की पूजा करना। चक्की की पूजा करोगे तो उससे संसार के लोग आटा पीस करके खाते हैं, उससे पेट भरता है, सद्गुरु कबीर कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब सुआ का उदाहरण दिए, आगे कहते हैं, बिन अर्श फर्श बिनु नाम लिए क्या होई, धनिक जो होवे निर्धन कोई, देखे बिना अर्श फर्श किए बिन नाम लेने से क्या होता है। जब आत्मा को आपने नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, जीवन के यथार्थ, जीवन के यथार्थ यथार्थ क्या चीज है उसको नहीं जाना, जीवन का परम उद्देश्य है उसको नहीं जाना, तो मात्र पूजा करने से, पाठ करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, तर्पण करने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कहना चाहिए कि उदाहरण बताऊं मैं आपको, एक बच्चा माँ के साथ में मेला में जाता है और मेला में काफी का जन सैलाब लगा है मेला में, और न जाने कितने प्रकार की मिठाई मेला में, कई प्रकार की मिठाइयां वो बच्चा देखता है, माँ के साथ में गया है। जैसे मिठाई को देखता है बच्चा बोलता है, माँ ये मिठाई लेना, माँ बोलती है बेटा और देखते हैं, फिर लेते हैं, हर जगह जाता है, फिर बोलता है बच्चा अन्य मिठाई, मिठाई चाहिए, कहता है माँ वो मिठाई चाहिए, न जाने कितने मिठाई से क्रॉस हो करके जाता है और बच्चा बोलता है माँ वो मिठाई चाहिए। लेकिन माँ की स्थिति क्या थी, माँ के पास में पैसा नहीं था, गरीबी स्थिति थी, वो मिठाई नहीं ले सकता था, मेला घूमने आ गई थी लेकिन मिठाई लेकर के अपने बच्चों को नहीं दे सकता था। उसके पीछे एक धनी आदमी, वो देख रहा है माँ की स्थिति, उसके माँ के पास पैसा नहीं है, माँ मिठाई सकती है, बच्चा मिठाई रो रहा है और उनका मन हो रहा है काश मैं लेकर के दे देता। वो धनी आदमी है जिनका कोई बच्चा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, वो बेचारा अकेला है, उनकी पैसा तो है लेकिन बच्चे नहीं है, वो
बार बार बच्चे की हरकत और माँ उनको बहकाए जा रही है, माँ उनको फुसला रही है, बेटा आगे जा करके लेंगे, आगे जा करके लेंगे। बच्चे रो रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, मेला का भीड़ बढ़ता जा रहा है। इस भीड़ है माँ अलग हो जाती है, अलग हो जाता है। अब जैसे ही स्थिति देखता है, माँ अलग हो गया, बच्चा अलग हो गया, पीछा एक धरने था, वो देख रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, बच्चा को गोद में ले लेता है। बेटा तुमको क्या मिठाई चाहिए? बच्चा बोलता है, नहीं मिठाई नहीं, माँ चाहिए। बच्चा को धनी आदमी फिर से बोलता है, तुम्हारे लिए कलाकंद ले लूं, खोवा ले लूं, गुलाब जामुन ले लूं? वो बच्चा बोलता है, नहीं मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। माँ खो गया, अब माँ चाहिए, मिठाई से अब आत्मा क्या चीज है? वो माँ आत्मा है, माँ ही प्रेम है, माँ ही सत्य है। यदि हमको आत्मा के प्रति प्रेम हो जाएगा, आत्मा को जान लेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये नकली डुप्लीकेट पीछे हम नहीं दौड़ेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सारे बनाए देवी देवता हमारे पार है। फिर से इस बात को कह दूं, ये जितने बनाए देवी देवता है हमारे सारे व्यापार है, बिजनेस चल रहा है। ये हमारे ये जयपुर जैसे शहर में, जयपुर और जोधपुर जैसे शहर में भगवान बनाने की कारखानी है, कारखाना बना हुआ है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान बनाया जाता है और भगवान खरीदा जाता है और बेचा जाता है, और बेचा जाता है। आज बेचे चले जा रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है, और कबीर पंथ में इसका विडंबना बढ़ता चला जा रहा है। इसकी पूजा, उसकी पूजा, इसका हवन, इसका तर्पण, कबीर के नाम पर यज्ञ हवन, वो करो। क्यों इतना लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग, पता नहीं। एक व्यापार चल चुका है, अब मैं क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बिन देखे बिन अर्श स्पर्श बिन नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे ना कोई। यदि धन से कोई धनिक हो तो निर्धन कोई नहीं होगा इस दुनिया में, हर आदमी धनी होगा, हर आदमी संपन्न होगा। सदगुरु कबीर साहब अंतिम बहुत जबरदस्त पंक्ति कहते हैं, सांची प्रीति विषय माया सो हरि। अभी हम जैसे मंच में बैठे, व्यास गद्दी में बैठे, अभी तक अन्य लोगों के लिए था, अब हम जैसे लोगों के लिए है। वो कहते हैं, सांची प्रीति विषय माया सो, लेकिन माया विषय माया क्या बन चुका है? माया ही विषय है। अब उसी माया के पीछे उदाहरण दे चुका हूं, हमारे इस दुनिया में 99.9% लोग यमपुर जाते हैं, स्वर्ग और मुक्ति का काम तो कोई बिरला लोग करते हैं। अच्छा क्या चीज है, मृत्यु क्या चीज है, इसको मैं बताता तो आपको समझ में आ जाएगा कि राम है। मृत्यु उसे कहते हैं, श्वास बाकी इच्छा खत्म, श्वास खत्म इच्छा बाकी, ये मृत्यु है। शब्द कितने सरल है लेकिन जीने में कठिन है। श्वास बाकी, श्वास खत्म और इच्छा बाकी, ये मृत्यु है। श्वास हमारी चल रही है, अब खत्म होने वाली है श्वास, अबक तबक हमारा अंतिम समय आ चुका है। शरीर ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, ज्यादा देर रहने वाला नहीं है श्वास, लेकिन हमारे इच्छाएं की लादी लादे बैठे चाहिए। मकान में कौन है, दुकान में कौन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यापार कैसे चल रहा है, घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, बच्चे कैसे हैं, शिष्य शाखा कैसे हैं, आश्रम कैसे हैं, अगर ये चिंता मन में ग्रसित है तो हम सब के सब मृत्यु के करीब जा रहे हैं। और यदि हमारे मन में ये है, हमारे श्वास चल रही है और इच्छाएं खत्म हो चुकी है, हमारे मन में कोई इच्छाएं नहीं है, मन में कोई चाहना नहीं है, बच्चे के लिए कोई शिकायत नहीं है, बहू के लिए कोई शिकायत नहीं है, बेटे के लिए कोई शिकायत नहीं है, परिवार के लिए कोई शिकायत नहीं है, माँ बाप के लिए कोई शिकायत नहीं है, पड़ोसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, और अंतिम कहो तो अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, वो हर व्यक्ति मोक्ष का काम कर रहा है, चाहे वो सदगुरु कबीर को जानता हो या ना जानता हो। श्री
राम को जानता हो न जानता हो, कृष्ण को जानता हो न जानता हो, बुद्ध कबीर महावीर ईसा मोहम्मद को जानता हो न जानता हो, उनके मन से वासनाएं खत्म हो गई, उनके मन से चाहनाएं खत्म हो गई, उनके मन से इच्छाएं खत्म हो गई, वो हर व्यक्ति मोक्ष का काम कर रहा है और वो हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सबको करना क्या है, सदगुरु कबीर की वाणी है, सीधा प्रहार है सदगुरु कबीर की वाणी। आत्मीय बंधु, मैंने बीच में कहा था कि सदगुरु कबीर साहब इंसान को भगवान मानते हैं, और सदगुरु कबीर साहब ही नहीं वेदों में भी माने गए हैं। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। क्या इन देवता का सम्मान हो रहा है? आज हर घर में माँ बाप को तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं, और हर माँ बाप दुखी और असहाय जीवन जी रहे हैं, उनके ही बच्चे उनसे नफरत करते चले जा रहे हैं। माँ बाप बच्चे के प्यार से तड़प, प्यार के लिए हैं, माँ बाप बच्चे से प्यार करना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चे के पास बैठना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य बच्चे पैदा होते हैं कि माँ बाप को दरकिनारे करते चले जा रहे हैं। देवी देवता की पूजा कर लो, कितने भी मूर्तियों की पूजा कर लो, कोई देवी देवता काम आने वाले नहीं है। आज यदि आपकी बुद्धि सिर्फ जड़ बुद्धि बनी रह गई, सिर्फ जड़ चीजों की पूजा करते रह गए, आपसे पुनः यदि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं, आपकी श्रद्धा है, आप करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन उससे यदि आप माँ बाप की पूजा नहीं कर पाए और सिर्फ दियों की पूजा करते रह गए, तो आपकी सारा सिर्फ, और कड़वे शब्दों में कहूं तो आप हम सब सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। सिर्फ बाबा दूसरा शब्द नाम ही ले ही नहीं जिया सकता। जो इंसान की पूजा नहीं कर सकता, सिर्फ फोटो कागज मूर्ति की पूजा कर सकता है और इंसान की पूजा नहीं कर सकता, हमारी बुद्धि भी जड़ बुद्धि हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी की बुद्धि भी जड़ बुद्धि। तब मत कहना कि हमारे बच्चे हमारे कहा नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे बस देवी देवता मूर्ति पूजा करता है, माँ बाप की पूजा नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं मानते बच्चे। आप सिखाए मानते, आप तो अभी तक सिखाए हैं कि मूर्ति की पूजा कैसे करना है, भगवान की पूजा कैसे करना है, ओम नमः शिवाय जप कैसे करना है, यहाँ कैसे जाना है, तीर्थ यात्रा कैसे करना है, मकान दुकान गाड़ी कैसे चलाना है, सारे चीज सिखाया आपने। असली जो चार देवता है उनकी पूजा आपने कब सिखाई? सदगुरु कबीर का प्रहार है ये तीखा, इसलिए सदगुरु कबीर के वाणी को सुन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, सदगुरु कबीर ही एक ऐसा हुए महान पुरुष जिन पर उंगली उठाना किसी के हिम्मत में नहीं है, कोई उंगली उठाने का साहस नहीं किए सदगुरु कबीर पर। और सदगुरु कबीर को सबने स्वीकार किया, जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी मंच व्यास गद्दी में बैठते हैं, की वाणी कहे उनकी बात अधूरी रह जाती है, कहीं ना कहीं बीच में सदगुरु कबीर की वाणी को प्रेरित करते हैं, कहीं ना कहीं कबीर वाणी को डालते हैं, तब लगता है अब मेरी बात पूरी हुई। क्योंकि सदगुरु कबीर सबको लेकर के चलते थे, सदगुरु कबीर किसी को काटते नहीं थे, सदगुरु कबीर इंसान को इंसान मानते थे, सदगुरु कबीर इसलिए महान हुए, और सदगुरु कबीर महान ही है जिन्होंने अपने जीवन को सरल से सरल, कोमल से कोमल बनाया। जब धर्म के परिभाषा करते हैं तो धर्म पर अटूट होकर के बोलते हैं, जब पाखंड पर बोलते हैं तो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ते हैं, और जब किसी को वंदना करते हैं तो मैंने पहले कहा, दादा भाई बाप के लेखों चरण हुई हो बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सूजन सदा आनंदा। आप सभी मेरे बातों को ध्यान से सुने, आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।